नगरोटा बगवा डिग्री कॉलेज के नए नवेले बच्चों के लिए एनएसयूआई की ओर से फ्रेशर्स डे प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कई कार्यक्रम रखे गए जिसका कॉलेज के नए आगंतुक बच्चों ने लुत्फ उठाया और जमकर मस्ती की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे जिन्होंने नए बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अपने स्कूली जीवन को खत्म करके कॉलेज की दुनिया में कदम रखने वाले बच्चों में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और AICC के सदस्य रघुवीर सिंह बाली के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। रघुवीर सिंह बाली के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद रघुवीर सिंह बाली ने सभी बच्चों का स्वागत किया और कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ लोगों का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही NSUI को इस सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री GS बाली खराब स्वास्थ्य के कारण आ नहीं पाए, लेकिन उनके पुत्र रघुवीर सिंह बाली ने अपने पिता का संदेश वहाँ मौजूद बच्चों को दिया। इस फंक्शन को इतना रंगीन बना दिया है, सारे लोग इतने उत्साहित हैं। मैं माफी चाहूंगा जिनका नाम लेना भूल गया हूं। आप लोगों का यहां पे आने पर धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपने नेता को, अपने भाई को, अपने अंकल को अपना प्यार देने आए हैं। श्री GS बाली जी को प्यार देने आए हैं, वो बहुत बेहतर है। उन्होंने ढेर सारा प्यार आपको भेजा है, ढेर सारा आशीर्वाद आपको भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को, मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आज फंक्शन में। उन्होंने कहा मेरी तरफ से सिर्फ दो बातें कहना, एक इनको कहना कि अच्छी तरह पढ़ाई करें ताकि नगरोटा के ये जो बड़े कॉलेज मैंने बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, ITI बनाई है, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, ये नगरोटा के बच्चों से थक जाए। नगरोटा के बच्चे इसमें भी अपना परचम लहराए, नगरोटा के बच्चे इसमें भी अपना परचम लहराए, लोगों को पता चले, हिंदुस्तान के लोगों को पता चले, हिमाचल के लोगों को पता चले कि सिर्फ नगरोटा के लीडर में दम नहीं है, सिर्फ GS बाली जिन्होंने इतना बड़ा अपना नाम बनाया नगरोटा में, इतना विकास करके दिखाया हिंदुस्तान में, नगरोटा भगवान को नंबर वन कंस्टिट्यूएंसी बनाया, नगरोटा को हिंदुस्तान में नंबर वन कंस्टिट्यूएंसी बनाया, एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जिसके अंदर कॉलेजों की बहार है, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, तीन तीन ITI है, जिसके अंदर फार्मेसी कॉलेज है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, नर्सिंग कॉलेज है। आज हिमाचल प्रदेश में एक भी ऐसी और विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर इससे आधे कॉलेज भी हो। ये दूसरा मैसेज उनका आपको ये है कि आप लोगों ने पढ़ाई तो करनी ही है, अपनी सेहत का भी ख्याल, आपने व्यायाम करना है, आपने बुरी चीजों से बचना है, आपने नशों से बचना है, आपने बुरी हरकतों से बचना है, आपने लड़ाई झगड़े से बचना है, आपने दोस्ती हम ऊपर पंजर होता है, सबसे बेहतर ये रहता है कि आप लोग आपस में अच्छे रिश्ते रखो। इसके साथ ही RS बाली ने वहाँ मौजूद बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनसे ये वादा लिया कि अपने कॉलेज जीवन में वो सभी बुराइयों से दूर रहेंगे। और आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये भी आप खड़े करिए, आप खड़े करिए, आप ये यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करेंगे और आप लोग अपने इस कॉलेज के अनुभव को जिएंगे, खुशियों के साथ जिएंगे और नगरोटा भगवान का नाम जिस तरह प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में आपके लीडर ने रोशन किया, वैसे आप लोग भी रोशन करेंगे। मैं कहूंगा हम दोबारा से नगरोटा के दिल लेके आएंगे, तो आपने अपनी पंक्ति कहनी है, हम दोबारा से वो नगरोटा के दिल लेके आएंगे, हम वो करके दिखाएंगे।
नगरोटा बगवा की युवा कांग्रेसियों ने एक और सफल आयोजन कर कांग्रेस की जमीन को मजबूत किया है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के सबसे चर्चित युवा चेहरे रघुवीर सिंह बाली के प्रति युवाओं का समर्पण ये संदेश भी दे रहा है कि कांग्रेस का भविष्य नगरोटा बगवा और प्रदेश में सुरक्षित है। कांग्रेस के तर्कश में आरएस बाली जैसे चेहरे हैं जो भविष्य में कांग्रेस की अगुवाई करने के साथ साथ उनका चेहरा बनने का पूरा मादा रखते हैं। कारण यही वो युवा हैं जो कांग्रेस के हाथ को और ताकत देगी और इन्हीं युवा जोश के चेहरे हैं रघुवीर सिंह बाली।